जिहदी पार्टी का ना ही लोक इंसाफ पार्टी है, तो जिहड़ा कहिंदा मैं लोगों नूं इंसाफ दिवाउणा मैं इंसाफ करदा, जिन्हें अपनी पार्टी दे एम सी का संस्कार हो रहा उहदे दुख दे विच अज कोई भी प्रैस नोट नहीं भेजा होया, किते खबर नहीं लवाई हुई, कोई उहदा रोस प्रगटाया नहीं होया। तां इत्थों इह पता लगता भी वह जिहड़ा सज्जन गल्लां करदे आ इंसाफ पार्टी दीआं वह अपने कौंसलरां तक नूं इंसाफ नहीं दिंदे। अपने दो भरावां दीआं एम एल ए दीआं कुर्सियां तक ही इंसाफ दिखदा, उदू अगे उहनां नूं कुछ नहीं दिखदा। गुरु नानक भवन विखे बुधवार को बजट पास करने लिए रखी गई हाउस की मीटिंग से सत्ता पक्ष ने ही नेता से सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल वार्ड नंबर 41 तो लोक इंसाफ पार्टी की पार्षद चरणजीत कौर पन्नू का 23 मार्च को देहांत हो गया सी। भावें वह लोक इंसाफ पार्टी की पार्षद सी पर उसके हक में हलका आतमनगर तो कांग्रेस के इंचार्ज कमलजीत सिंह कड़वल ने उठाई है। इस मुद्दे से पड़के कड़वल का कहना है कि इस बैठक नूं पार्षद दी मौत दे चलदिआं रद्द भी किया जा सकता सी। कड़वल ने लोक इंसाफ पार्टी दे पार्षदां ते भी सवाल चुके हैं, जो बैठक दा हिस्सा तो बने पर अपनी पार्टी दी पार्षद दे हक च दो लफ्ज भी ना बोल सके। सर, हाउस दी मीटिंग दी जेकर गल कीती जावे ते तुसी सरकार नूं की कहना चाहोगे कि सरकार नूं इहदे ते कदम नहीं चकने चाहीदे सी जो मीटिंग उन्हां वल्लों कराई गई, तुहाडे अगर तुसी हुंदे की एक्शन लैंदे? सच्ची मैं तुहानूं दस्सदा, मैं कोई राजनीतिक गल नहीं करदा। मैनूं दिलों इस गल दा दुख ते दर्द आ भी ये मर्यादा नूं भंग किया गया, जिहड़ी कि इहदी मैं समझदा कि मैं सीएम साहब नूं इस गल लई भी कहूँगा भी आ इह जिहड़ी इह चीज़ होई आ इह आउण वाले समें च कदे इस तरह नहीं होनी चाहीदी। जे किसे साडे कौंसलर ते दुख भरा समा आउंदा तां उत्थे साडे सारे कौंसलर साहिबां नूं हाउस नूं उस दिन दा दुख मनाउणा चाहीदा सी। मैं कौंसलर साहिबां नूं भी इही गल कहना भी यार तुहाडा साथी गुजर गया ते तुसीं सारे जाणे उत्थे सी, ते मैं तुहानूं भी इही गल कहूँगा भी यार चलो उन्हां दी पार्टी ने जिहड़ा कीता सो कीता, आपां नूं भी इदां नहीं करना चाहीदा सी। आपां नूं गांह वाले समें दे विच जे साडे किसे भी साथी नूं कोई प्रॉब्लम आउंदी आ तां सानूं उहदे नाल जरूर खड़ना चाहीदा। नगर निगम हाउस वालों शहर के विकास लिए 1064 करोड़ का बजट पास कर दिया गया। मीटिंग दे विच मेयर बलकार सिंह संधु तो इलावा कांग्रेस, भाजपा, श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी ते कुछ आजाद सहित लोक इंसाफ पार्टी के पार्षद भी शामिल सन। मीटिंग के दौरान मिठाई भी वंडी गई। होर तो होर इस गंभीर मीटिंग के दौरान महिला पार्षदा की समस्या लैके हल्की नोक जोक भी हो गई, लेकिन किसी ने भी यह मुद्दा नहीं चुकया कि एक पासे पार्षद का संस्कार है तो इस मीटिंग रद्द कर दिता जाना चाहिए सी। सो सर, बीते दिन जो है वार्ड नंबर 41 तो चरणजीत कौर जो कौंसलर से उन्होंने डैथ हो गई सी, तो एक साइड जो से संस्कार चलता वैसे तो दूजी साइड हाउस की मीटिंग चल रही थी, किन्ना के जायज सी ये गल? उन्होंने भी ये गल नहीं चकी जो लोक इंसाफ पार्टी के कौंसलर से उन्होंने वालों भी कोई गल नहीं की गई कि इतने किस तरह देखते हो? सो मैं इस गल बहुत मनभांगा कहना, क्योंकि वो उस पार्टी की कौंसलर सी जिहड़ा कहिंदा जिहदी पार्टी का ना ही लोक इंसाफ पार्टी आ, तो जिहड़ा कहिंदा मैं लोगों नूं इंसाफ दिवाउणा मैं इंसाफ करदा, जिन्हें अपनी पार्टी दे एम सी का संस्कार हो रहा उहदे दुख दे विच अज कोई भी प्रैस नोट नहीं भेजा होया, किते खबर नहीं लवाई हुई, कोई उहदा रोस प्रगटाया नहीं होया। तां इत्थों इह पता लगता भी वह जिहड़ा सज्जन गल्लां करदे आ इंसाफ पार्टी दीआं वह अपने कौंसलरां तक नूं इंसाफ नहीं दिंदे, तो लोगों तक ही इंसाफ देना? सो इस गल तो उन्हां दी जिहड़ी असलीयत सामने आई आ भी उन्हां नूं किसे चीज़ नाल कोई मतलब नहीं, उन्हां नूं सिर्फ ते सिर्फ अपने दो भरावां दीआं एम एल ए दीआं कुर्सियां तक ही इंसाफ दिखदा, उदू अगे उन्हां नूं कुछ नहीं दिखदा। उहदे चाहे उन्हां दे वर्कर होण, चाहे उन्हां दे कौंसलर होण, चाहे उन्हां दा वार्ड प्रधान होण, उन्हां दीआं किसे दीआं भावनावां नाल इस परिवार नूं कोई लेना देना नहीं। सिर्फ ना दी इंसाफ पार्टी आ और परिवार दी पार्टी आ। सर, लोक इंसाफ पार्टी दे किसी भी मैंबर ने इस दे विरोध नहीं चक्या, तो तुसी की कहना चाहोगे, किस तरह देखदे हो सर इस चीज़ नूं, एक किन्ना कुछ जायज़ सी इह? सो इस गल ते मैं इस पार्टी दे वर्करां नूं इस गल तो समझ आ जानी चाहीदी आ, जां इहनां दे कौंसलरां नूं समझ आउणी चाहीदी आ भी इह जे साडी इक कौंसलर दी इहनां ने आवाज़ नहीं चक्की ते कल नूं जे कदे साडे ते दुख सुख आ गया तां इहने कीहड़ी आवाज़ चकणी आ, जां जिहड़े साथी इहनूं छड्ड के चले गए
जे उन्हां ते कोई किते औखा समा आया जां उन्हां नूं कदे प्रॉब्लम आई उस वेले इंसाफ किथे चले गया। सो इस गल नूं मैं यही कहूँगा इन्हां ते अपनी पार्टी के वर्करां नूं कुछ सीखना चाहीदा समझना चाहीदा वी इह जो हो रिहा इह कल नूं साडे नाल वी होणा इस करके अपना अज ही अपना ध्यान रख के चलन ता कि जिहड़ा कुछ इन्हां दे बाकी साथियों नाल होया थोड़े नाल ना होवे। कड़वल ने यह भी आरोप लगाया कि लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने पिछले 10 सालों तो हलका आतमनगर च कोई भी विकास नहीं किया जबकि कांग्रेस ने हलका च काफ़ी विकास करवाया है। आतमनगर हलका तो देखो असी बचा गए साड़ी पार्टी का इतने हलका इंचार्ज की सेवा मैनू लाई हुई है साडे कौंसलर साहबान बड़े मेहनती है पर साउथ हलके दे विच जिहड़ी हालात देखो जाके नरक बनया होया जिहड़े भरा गद्दां करदे आ दोने भी असी बड़ा लोगों के हितों लई लड़न वाले हाँ अज वो लोग सीवरेज का पानी पी रहे ने उस एरिया के लोग सो की इस वास्ते लोग इन्हों MLA बनाउंदे आ जिहड़े लोगों नूं उत्थे बीमारियां लग रहे ने हरियाणे तो असी पैसे लैके आने राजस्थान तो पैसे लैके आने पता नहीं कितों कितों पैसे लैके आने हैं। सो यार पहला लोगों नाल इंसाफ करो जिहड़े लोगों नूं तुसीं गंदा पानी पिला रहे हो उन्हां दा ध्यान रखो। सो आत्मनगर दे विच मैं साड़ी सारी टीम जिहड़ी लगी हुई आ वह असी इस तरह सेवा करांगे ते आउण वाले समय दे विच जिहड़ी आ मैं लोगों नूं यही गल कहांगा कि सिर्फ जिहड़ी घरेलू पार्टी अपने परिवार का घट ढिड भरन वाली पार्टी तो जिहड़ा सुचेत हो के ऐसी पार्टी दे नुमाइंदे लेके आओ जिहड़ी नैशनल लैवल ते जिहदा नाम ते जिन्हां दे पिछली परफॉर्मेंस नूं देखदे होए ताकि आने वाले समय से इस एरिए की डिवेलपमेंट हो सके। वधेरी जानकारी लई लाइक करो साडे फेसबुक पेज नूं ते सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल नूं ते इंस्टाग्राम नूं फॉलो करना ना भुलियो।